इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। मित्रा जी हैं झारखंड से हमारे साथ, स्वागत है आपका जी। सवाल कीजिए। कहाँ दर्द है आपको? पीठ के ऊपर, ठीक है, गर्दन के पास दर्द है और हाथ 15-20 दिन से। अच्छा, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम है पेट में आव बनता है बहुत ज्यादा, कुछ खाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं आप तो ये ऐसे एक्सरसाइज करिए, और अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो दर्द की दवा खा के करिए, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको करते रहनी है रोज़ाना 2-4 मिनट ज़रूर, और किस्तों में भी कर सकते हैं आप, 1-1 मिनट करके 4 बार कर सकते हैं, एक ये और एक ऐसे 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 करते रहिए आप जितना भी कर सकते हैं। इसका असर होता है 8-10 दिन के बाद। अगर ये आप करते रहेंगे तो आपका दर्द बगैर दवा के भी जा सकता है, और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो देखिए, ये आपका आता है सुरंजान शीरी, एक दवा का नाम है जिसे मीठी सुरंजान आसान जबान में कहते हैं, सुरंजान शीरी, अश्वगंधा, अश्वगंधा भी एक दवा का नाम है, सुरंजान शीरी, अश्वगंधा, धनिया, मेथी और गौंदस्या, काला गौंद, ये सब 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, अपने घर में पाउडर बनाएं, रॉ मटेरियल लें सब, और 2-3 चुटकी सुबह, 2-3 चुटकी शाम पानी के साथ खाइए, तो आपकी ये दोनों तकलीफें ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं आबू भाई महाराष्ट्र से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, हमारे घर में क्या है, देखो कैंसर है स्तन को। दोबारा बोलिए एक बार। कैंसर है कहाँ पर? स्तन को, यानी कि छाती को, जो दूध पिलाते बच्चे को। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप महाराष्ट्र में बॉम्बे में हैं और वहाँ कैंसर हॉस्पिटल है, उन्होंने क्या बताया आपको? कैंसर आ रहा है आपसे। क्या क्या इलाज लिया है? अभी इलाज क्या, हम खानगी इलाज करे तो हमारा कुछ फर्क नहीं गिरा, आयुर्वेदिक। और देखिए, इनकी रिपोर्ट्स आप हमारे साथ शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप के जरिए, हमें हमारे नंबर पर फ़ोन करेंगे या हमारे यहाँ से आपको फ़ोन आएगा, तो उनकी रिपोर्ट्स आप व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजिएगा, तो हम कुछ ना कुछ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो चलिए, आप व्हाट्सएप नंबर पे एक बार अपनी धर्मपत्नी की जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर कर दीजिएगा, फिर आपको हमारे यहाँ से कॉल आएगा तो अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा कैसे आपको कौन से उपचार अपनाने हैं, क्योंकि जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं देखी जाएगी तब तक आपको बेहतर इलाज नहीं बताया जा सकता है। दर्शकों, आप लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर आपका रोग कोई दूर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग देसी नुस्खे जान सकते हैं सीधे हकीम साहब से। और एक बात का खास ख्याल आप लोगों को रखना है, जो भी नुस्खे यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो सारे रॉ मटेरियल आपको लाने हैं, घर में पीसने हैं, ये नहीं कि पिसे पिसाए आप लोग ले आए और फिर आपने दवाई बना के पी ली और उसके बाद आपको फायदा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। खुद रॉ मटेरियल लाइए, कोई भी रॉ मटेरियल अगर आपको नहीं मिल पाता है उसके लिए आप हमारी कंपनी से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आराम से आएगा, थोड़ा देरी भी हो सकती है, लेकिन आपको एकदम असली रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताइए। चलिए सवाल कीजिए अपना। सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? बताइए क्या आपको तकलीफ है, बताइए क्या सेवा है। हमारे
इतना लगा कि कोई चीज उठाते हैं तो इसे मतलब जो है ना उठा पाते हैं ना बड़ी सडन हुआ है ये कोई चोट वोट नहीं लगी। आप समझ रहे हैं हकीम साहब इनको दर्द होता है लेकिन इनकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है, इनके शरीर में दर्द है पूरे शरीर में। ठीक है सामान उठा नहीं पाते हैं। अरे क्या उम्र है अगर आप हैं तो उम्र बता दीजिए। 64 अच्छा देखिए इस उम्र में तो वजन उठाना नहीं चाहिए और आप मेहनती आदमी लगते हैं कुछ दिन आप वजन ना उठाएं और शरीर के दर्द के लिए 2-3 महीने अगर आप लगातार दवा खाते हैं चाहे कोई भी दवा खाते रहें लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आपको 2-3 महीने खानी है। जो आप दवाएं खाते हैं वो फौरी तौर पर फ़ायदा करती है, एक दिन में फ़ायदा कर देती है, 1 घंटे में फ़ायदा कर देती है, ये आपको 8-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू करेगी। और वो यह है कि गोंद स्याह है, काला गोंद होता है, ये बड़ा कड़वा होता है और अक्सर लोग इसे जानते नहीं हैं और असली लेना, नकली भी काफ़ी मिलता है। ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए और पाउडर बनाइए और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम, ये चुटकी है, 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद 2 चुटकी शाम को आप खा लिया करें। थोड़ा सब्र वाले बने, 8-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा, महीने में अच्छा फ़ायदा नज़र आ सकता है और 1 महीने अच्छा फ़ायदा नज़र आएगा, जैसे 30% हुआ तो 3 महीने लग जाएंगे, 50% हुआ 2 महीने में भी आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है राजकुमारी रायपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैडम जी सवाल कीजिए। जी मैडम मेरे को यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, पिछले 5 साल हो गए मेरे को। अच्छा 5 साल, बेटा कितनी उम्र है आपकी? 5 साल हो गए मेरे को। बेटा एज तो बताइए। मेरी एज 32 साल है अभी। ठीक है तो बेटा गौन मोरिंगा नाम से एक गौंद आता है, वो 100-200 ग्राम खरीद लीजिए और इसको आधा ग्राम सुबह, रॉ मटेरियल लेना और असली लेना, नकली भी मिलता है। इसको आप पाउडर बनाकर आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दूध में मिलाकर पानी में मिलाकर आप लिया करें। जिस दिन से आप लेंगे मुझे उम्मीद है उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो जाएगा और ये 100-200 ग्राम जो आप खरीदेंगे इससे ख़त्म होने से पहले आपको तंदुरुस्ती होना मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों हकीम अजमल खान अवार्ड से सम्मानित हकीम सुलेमान खान साहब जी जो आप लोगों के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसी के साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी अतिया हर्ब्स जिसके बारे में हम अक्सर ही जिक्र करते हैं ये एक ब्रांडेड कंपनी है जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी जिनसे आप सीधा देसी नुस्खे जान रहे हैं। और आप ये जान लीजिए कि इसकी 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है दर्शकों और अनुभवी हकीम साहब आप लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जितना भी अनुभव आज तक उन्होंने किया है वो आप तक साझा कर रहे हैं। लेकिन उसका फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार स्वागत है आपका। हाँ मैडम मैं सर से बात करना चाहती हूँ। जी जी बेटा बोलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ? जी सर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरा जो 6-7 महीना पहले चेकअप हुआ था सर कि ब्लीडिंग हो रहा था तो बहुत बड़ा सा ऐसे कुछ गिरा है जी, तो ब्लीडिंग काफी मात्रा में चला गया सर। उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाकर चेकअप करा, यहाँ के डॉक्टर से सलाह ली तो बोले कि आप जाओ बड़े हॉस्पिटल से चेकअप करवा लो ऐसे करके कि बच्चेदानी में कुछ हो घाव वगैरह हो गया होगा ऐसे करके। तो मैं गई तो डॉक्टर चेकअप किए फिर रेगुलर चेकअप भी किए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कोई बता रहे थे कि ऐसी कुछ पे मतलब जमा हो गया है ब्लड, उसके बाद आपके बच्चेदानी में कुछ खराबी नहीं है बोल रहे सर। और उसके बाद ब्लीडिंग ऐसी मेडिसिन खाई सर तो ब्लीडिंग 2-3 महीना में ऐसे बंद हो गया, फिर आ गया ब्लीडिंग। तो ऐसे ब्लीडिंग जाता है सर कि बंद होने के नाम में फिर मेडिसिन लेती हूँ, फिर 1-1.5 महीना बंद हो जाता है फिर चालू हो जाता है। ठीक है बेटा मैंने आपको जवाब दिया था, आप गौर से सुनिए।
आप फ़ोन करें या हमारी तरफ से आपको फ़ोन आएगा लेडी डॉक्टर का। अगर जेंट्स डॉक्टर बात करें तो आप कहना मुझे फीमेल डॉक्टर से बात करनी है, वो आपकी पूरी बात समझ लेंगे और आप उन्हें पूरी बात बता भी सकती हैं फ़ोन पे। ऑन एयर बहुत ज़्यादा सवाल हम करने से परहेज करते हैं और आपको आप भी करती होंगी, तो वो पूरी एक लेडी डॉक्टर आपको पूरी अंदरूनी तौर पर सारी बातें पूछकर आपको लिए कोई नुस्खा सजेस्ट करे तो आप उन्हें ले सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, जब भी हमारे साथ कॉलर जुड़ते हैं तो एक समस्या के लिए तो वो बिल्कुल नहीं जुड़ते, मतलब उन्हें इतनी बड़ी बड़ी परेशानी होती है। शुगर का पेशेंट है तो उसको थायराइड भी हो गया है, अगर उसको थायराइड भी है तो उसको गैस की भी प्रॉब्लम है, उसके जोड़ों में भी दर्द है, मतलब इतनी तमाम परेशानियाँ लेके व्यक्ति अपना कामकाज कर रहा है। मतलब ये बात तो बहुत ही अचंभित करने वाली है कि व्यक्ति वक्त रहते ये क्यों नहीं समझता कि उसे कोई बीमारी हो गई है, उसे अब उपचार अपना लेना चाहिए। हाँ देखिए, इस कदर आदमी मसरूफ हो गया है, बिजी हो गया है जी, और हमारे घर की जो महिलाएं हैं बिल्कुल वो भी इस बारे में ज़रा संजीदा नहीं कि उनको तकलीफ हो गई। अब उनका पति, उनका बेटा दिन भर बाहर गए हैं, कमा के लाए हैं जी, तो वो हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं अपनी तकलीफ छुपा लेती है, कहाँ ये थक के आए हैं पूरे दिन में, अब मैं अपनी तकलीफ कहूँगी, तो वो किसी भी तरह काम चला लेते हैं, कोई गोली खा लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा त्याग का मादा है लोगों में, महिलाओं में भी औरतों में भी। मर्दों को भी तकलीफ होती है, दिल पर तकलीफ हो रही है, आप सोचेंगे पत्नी को बताऊंगा या बच्चों को बताऊंगा तो घबरा जाएंगे, और इतने पैसे नहीं हैं या सबको परेशानी होगी, तो वो अपना आप ही उसको अपने दर्द को छुपा लेते हैं, और ये छुपाना ठीक नहीं है। महिलाओं से भी दरख्वास्त है कि वक्त पे इलाज करना बहुत अच्छा है। अगर हम मर्ज के पहले ही दर्जे पर जाने जाए और हम उसी उसमें इलाज कर लें तो हम उसको दूसरी तीसरी चौथी सिचुएशन ना होने दें, क्योंकि वो ज़्यादा मर्ज बढ़ने के बाद फिर इलाज मुमकिन नहीं होता, फिर ऑपरेशन मुमकिन होता, तो वक्त पे इलाज कराना समझदारी है। हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत त्याग देती हैं, तो अपनी बीमारी छुपाया ना करें, शेयर किया करें। बिल्कुल, इसी के साथ कॉलर जुड़ गई हैं, परमिंदर हैं पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार, आदाब। मेरे हस्बैंड को ना पार्किंसन की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या एज है उनकी? उनकी एज है 61 है जी। अच्छा, कितने दिन हो गए और कितना हिस्से पुरानी है? जी दो हो गई, 10-12 साल पुरानी है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनका। ठीक है, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। एक नुस्खा मैं भी बताता हूँ, उसके साथ में आप ले सकते हैं, घरेलू नुस्खा है। और एक तो ये कि मूंग की दाल से बनी हुई चीज़ें, सब्जियाँ, खिचड़ी, मूंग की दाल तरह तरह से बनती है, मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल का कसरत से इस्तेमाल करें। कभी खिचड़ी बना दी तो कभी हलवा बना दिया, तो कभी दाल बना दी, कभी सब्जी बना दी, ऐसे उनको ये बहुत फ़ायदेमंद है मूंग की दाल ऐसे लोगों के लिए। और एक बड़ी अच्छी दवा भी है, वो आप खुद बना लें। देखिए, सौंफ, धनिया और ये 100-100 ग्राम लेना है, और इसमें सौंफ, धनिया और सौंठ 100-100 ग्राम लीजिए, और 100 ग्राम आपको इसमें डालना है। देखिए, लिसोड़ा कहते हैं, एक दवा का नाम है लिसोड़ा, सूखा हुआ मिलता है और ताज़ा भी मिलता है, लेकिन आपको सूखा हुआ लेना है। सौंफ, धनिया, लिसोड़ा, सौंफ और सौंठ, ये सब चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। और एक चीज़ आपको बाहर से लेनी होगी, कलौंजी का एस्टेक, एस्टेक कलौंजी, इसे नमक कलौंजी कहते हैं हम आसान जबान में, लेकिन एस्टेक कलौंजी 100 ग्राम मिला लें, और इसका 1-1 ग्राम तीनों टाइम खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। 1 ग्राम मतलब एक बड़े कैप्सूल के बराबर होता है, इनको देना शुरू करें, और लेकिन टाइम बहुत लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं,
लेकिन इनको फ़ायदा धीरे धीरे अगर होने लगे तो फिर रोकना नहीं, वो मुकम्मल करके ही छोड़ना है।